उत्तर प्रदेश में रोजगार को बढ़ाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर का बड़ा बयान सामने आया है। जेपीएस राठौर ने बताया कि जब से योगी सरकार बनी तब से ग्लोबल इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इसके पहले उत्तर प्रदेश में 3 बार समिट कराई गई है और 4थी बार ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट है, जिससे पूरे देश के साथ साथ कई अन्य देशों से बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया जा रहा है और इसमें बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में आने वाला है। इसके पीछे उद्देश्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश में इतना नौजवान है जिसके पास रोजगार का सृजन होगा। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि सपा अध्यक्ष के तेलंगाना दौरे को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मिलने के सवाल पर जीपीएस राठौर ने कहा कि अखिलेश यादव जहां जहां जाएंगे वहां बीजेपी की सरकार बनेगी। अब तेलंगाना में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अविनाश कुमार ने। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर जेपीएस राठौर ने अखिलेश यादव पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जहां जहां जाएंगे वहां बीजेपी की सरकार बनेगी और अब तेलंगाना में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। तो हमारे सहयोगी अविनाश ने जेपीएस राठौर से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। बढ़ाने के लिए लगातार योगी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर का प्रोग्राम कर रही है। 10 से 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। मंत्री जी, क्या तैयारियां रहेंगी सहकारिता विभाग से? ऐसा है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। उसके लिए निरंतर प्रयास हुए हैं और उत्तर प्रदेश में 3 बार इन्वेस्टर समिट कराई गई है और 4थी बार ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, जिसमें पूरे देश के साथ साथ कई अन्य देशों से बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया जा रहा है और इसमें बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में आने वाला है। तो अवसरवादिता के आधार पर जो गठबंधन होता है, एक अवसर पूरा हुआ तो वो झटक के दूसरे को चला जाता है। इससे पहले भी राहुल गांधी जी के साथ अखिलेश यादव जी ने गलबैयाँ की और उनके साथ चुनाव लड़ने का काम किया। उसके बाद अगले चुनाव में बुआ जी के साथ इन्होंने गलबैयाँ की और बुआ जी के साथ चुनाव लड़े अखिलेश यादव जी, तो ना तो राहुल गांधी के साथ रह पाए ना बुआ जी के साथ रह पाए। अभी देखिए जयंत जी के साथ हैं, कितने दिन तक साथ चलता है। और रही बात केसीआर की, बाकी लोगों को तो केसीआर का उत्तर प्रदेश से क्या मतलब है, वो तो वहीं पर चुनौती झेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस बार तेलंगाना में भी सरकार बनेगी और जहाँ जहाँ इनके चरण पड़ जाएंगे वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होती चली जाएगी। तो शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जेपीएस राठौर जी, मंत्री सहकारिता विभाग के, जिन्होंने सीधे साफ तौर पर बताया कि उत्तर प्रदेश और देश में एक बार फिर से कमल खिलेगा और पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार ही बनेगी। कैमरा पर्सन विजन के साथ मैं अविनाश, एमके न्यूज़, लखनऊ।